हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हेल्सिंग ब्लॉग्स में। और आज यहाँ सफाई थोड़ा कम हो गया। अभी सुबह का टाइम है, कितना हो गया, 10 बजे सुबह, 5 सुबह 11 बजे। अपनी पहले वो आना चाहिए अंडा फोड़ना, सबसे उससे पहले एक और अंडा लाना। और इसको फेंटेंगे ढंग से, इसमें डालेंगे नमक। इसको जितने ज़्यादा फेटोगे ना उतना फ्लफी बन गए। फ्लफी अंग्रेजी वर्ड सीधा आजकल गेम खेलो ना। वैसे जब तक हम फेंट रहे थे, इसके लिए थोड़ा तेल भी रख लेते हैं। पहले गैस ऑन करना जरूरी, जितना जाग जाग सा बन रहा है ना उतना ही वैसा बनता है फ्लफी। अब मैं फ्लफी ऑमलेट बना रहा हूँ। मैंने बहुत फ्लफी कर दिया है इसे। इट्स सो फ्लफी। पुदीना। तो अब करते हैं अपना ब्रेक, फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। अगर बारिश नहीं पड़ी तो कहीं बाहर घूमने जाएंगे। घूमने क्या जाएंगे, पर लगता रहा बारिश पड़ जाएगी, तो शायद ना पड़े तो देखते रहिए ब्लॉगर, आपको पता लगेगा बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये जानने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं छोड़ दी, बोलो ना आप तो बोलना था यार, क्या इंसान हो। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं हो सकता कि भाई। जब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, हमें खुद पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कहाँ जाना है, अब सोच लो कहाँ जाना है। हाँ चलो देख के आते हैं मालदीव से ही, वहाँ की रोड ख़राब हो रही, देख के आते हैं, जगह जगह घूम के आते हैं। न्यूज़ चैनल बन गया ब्लॉगिंग से ना, न्यूज़ चैनल बन गया। की खुशबू समा महकाए, अबीर गुलाल की घटा सी छाए, चीड़ चिनार भी। बताओ कहाँ हैं हम। कहाँ पहुँचे हम बताओ। अब बहुत ही तेज़ पानी आ रहा है, बहुत ही तेज बरसात के टाइम पे बिल्कुल, मतलब आगे झरना भी था हम जाने वाले थे, पर पानी बहुत तेज़ है इसलिए अभी हम आगे गए नहीं। यहीं पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। काफ़ी लोग भी आ रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग भी आ रखे हैं, कुत्ते भी सो रखे हैं। जैसे ये पहले भी नदी ऐसी थी नहीं इतनी तेज, ये तो उसकी तरह हो गई है भयंकर, क्या कहते उसको, हरिद्वार ऋषिकेश में है भयंकर नदी गंगा तक होती है। ये तो इतनी इतनी हल्की रहती है ना, क्या आराम से हम पार कर जाते हैं, बहुत आराम से, इतनी इतनी रहती है भाई, घुटनों तक भी नहीं रहती है। तो आज तो कितनी तेज हो रही है भयंकर, पहली बार देखा। हाँ इतना तेज पहली बार देखा मैंने। मालदीव का किस साइड था ये, मालदीव था इसमें तो आते मालदीव। हाँ आगे भी है, आगे तो वो है पहाड़ी, नहीं है क्या ये। यहाँ पे एक दुकान भी खुल गई है, पानी जैसी तेज हुआ यहाँ दुकान खुल गई। पानी जैसी तेज हुआ मैंने कहा यहाँ दुकान खुल गई, एक बात बता है, अगर जैसे इनमें से कोई यहाँ डूब गया तो फिर कूद जाएगा बचाने के लिए ना। बहुत तेज है पानी भाई, मैं खुद मैं बच सकता हूँ पर मैं किसी को बचा नहीं सकता। और ऋषिकेश वाले में पता नहीं कैसे जोश आया मुझे, देखिए रस्सी बचाने के लिए उसको, डूब जाता ना बच्चा तो बच गया। वाले सब हो जाते, वीडियो नहीं थी वो, पुल में क्रॉस कर रहे होते हैं बच्चा गिरता है नीचे, तो एक आदमी वो भी कूद जाता है उसे बचाने के लिए, बच्चा आराम से भर रहा था, फिर उसे देख रहा होता उसे कोई नहीं पीछता। वही सीन हो जाता मेरे साथ है यार, पर पहाड़ियाँ क्या मस्त हो रही यहाँ पर। सेफ है जाना यार पैदल ऊपर है, घर में सेफ है, घर पर आगे गिर गया तो पर पहले ये ऐसे बोल दोगे तो गिर भी सकता है वो, तो अभी भी गिर सकता है, अभी तो सब है ना बहुत सारे। अकेले मजा नहीं आएगा क्या ये, आपके कान में जा रही हो बात जो आप बोल रहे हो। जब तक ये नदी ख़त्म नहीं होगी तब तक ये लोग यहीं रहेंगे क्या, ये सूखते हुए देख के जाएंगे ना देखो। जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाएगी ना तब तक नहीं जाएंगे। मोइना करने तो नहीं आ रखे,
चाय पी के ना चले जाएंगे पैसे कहेंगे अच्छा मतलब पानी पी जाए ना खुशी में सबको चाय पिला रहे एक्शन इसी पानी की चाय बनाई है उन्होंने मटमैली से हो रही है इस नदी के पानी से बोलो ना क्या डायलॉग याद नहीं है क्या आपको लिरिक्स खुद भूल गए मजाक कर रहे हम चाय अच्छी है चाय पानी से बना रही है पर रेत नहीं आ रही है नंगल की बंदी भाग गई परेशान होकर आ गया पानी के पास व्हाट्सएप पता आप कौन सा देख रहे हैं इन्होंने वाला मैसेज नहीं भेजा था कि 10 लोगों को भेजे नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा क्या बुरा हो गया कितना 5 मिनट का ब्लॉग तो बन गया चलो फिर अगले 5 मिनट का 5 सेकंड का प्रीमियर डालेंगे पर तो गाली तो दी होंगी लोगों ने कि 5 सेकंड में पता नहीं क्या आएगा 4 मिनट के ऊपर क्यों नहीं डाल प्रीमियर डाल ले 5 दिन पहले 5 मिनट में था गया उसमें फिर रास्ता ये आवाज कहाँ से आ रही गुल्लर गाड़ी दिखाई नहीं पैर रखा गुल्लर गाड़ी में वहीं पे बंद हो गए पहले 2 ऐड आ गए बात करने दे अरे कितनी दूर से खींच रहे हो फोटो एक पत्थर की गलती है वो टप्पे नहीं खा रहा गदगदा पत्थर नहीं ना आप कहाँ कहाँ जाते हो साइकिलिंग में दोबारा गया हूँ दोबारा गया सुना है मैंने टीरी भी साइकिल में गए साइकिल में पिछले महीने कितना टाइम लगा मतलब पहले दिन गया मैं दिन में 11:30 बजे ही घर से अच्छा शाम को 5:30 बजे चंबा पहुँच गया था बहुत जल्दी पहुँच गया यार तुम तो नहीं है चंबा मतलब नरेंद्र नगर फिर चंबा ये चढ़ाई है तकड़ी चंबा पे ही रुक गया था मैं 5:30 बजे फिर अगले दिन फिर वहीं रूम लिया था सस्ते थे 200 रुपये अच्छा ओके फिर मिलते हैं भाई वो दिखाता चलो आपको दिखाऊं टीरी का जिस दिन में गया फोटो तो ज़्यादा नहीं है कहाँ गया हिट दाजू पहाड़ लौट जाए हिट दाजू पहाड़ लौट जाए एंड हो गया साहब अब भाई हमने ही खोजा है थोड़ा सा आगे देखे यार रोड का एंड क्या और यार खेती में और सूर्या रोगी मंडवा भी ये तो हम फूलों की घाटी में देहरादून ऑल इंडिया का मजा ले लिया हमने थोड़ा सा करके है ना यहाँ तो होती होगी नहीं होगी तो बारिश है यहाँ पे रुकते हैं अरे तो पूछ लेते ना आगे चल के एंड देखा नहीं रोड चलो गांव में बाद दाल खाने के लिए भाई जी यहाँ कौन सा गांव है अखंडवानी वेले क्या जी अखाड़ी वेले अच्छा अच्छा ये कहाँ तक जा रही रोड मेन रोड रात तक आ गया मतलब मेन दुकान तक अच्छा यहीं तक ही आती है रोड यहीं तक अच्छा कहीं जाती नहीं बाकी नहीं ये सब पूरे अच्छा व्यू मतलब ऊपर ही दिखता है ना ऊपर ही दिखता हम तो हमने कहा हम लास्ट तक जाएंगे रोड आगे अच्छा अच्छा दुकान है आगे तो छू के ही आ जाते फिर पहला नाम हमारा ही होगा नीचे हाँ चलेगा बिना रोड के तो हुआ नहीं होगा वहाँ काम इतना सही है ना कौन सा गांव है यार अखाड़ा बेलन देहरादून से भाई जी ये गांव कौन सा है अखाड़ी बेलन और नीचे वाला तो ये नीचे हाँ है बिलास वाली वहाँ के लिए कैसे जाते हैं से अच्छा अच्छा और ये आखिरी रोड यहीं तक ही है देहरादून से अच्छी जगह है काफी ना इनको बोले बजरंग दल वाला आके भगवान रंग मैं भी ऐसी पहन के आता ना रन टू नो 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 तो गाइस कौन सी रोड कौन सी हमें तो पूछ के आना पड़ेगा वापस आना पड़ेगा यार द्वारा वाली रोड पे कौन सा गांव था
अखाड़ा अखाड़ा बेलन अखाड़ा बाड़ा हम डाल देंगे उसमें क्या पता चल रहा है कि तो आज हमने इसका एंड देख लिया है, यहीं तक ये है अखाड़ा बेलन जो भी हो वहाँ तक हमने इसका एंड देख लिया है। यहाँ पे अभी थोड़ा कोहरा हो रहा है, नहीं तो अभी आपको दिखाते हैं, कोहरा कोहरा दिख रहा है, कोहरा ही दिखा देंगे, कोहरा तो हटेगा, अरे बारिश भी हो गई ना तो फिर हमें। यहाँ पे हम आए हैं, कोई अननोन प्लेस है, पता नहीं कौन सा, पर बहुत छोटा सा बुग्याल टाइप का है और कोहरा लगा है यहाँ पे, और नीचे नदी है जो कोहरे की वजह से नहीं दिख रही ये क्यों लाया यहीं से कूदेगा पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे सौरभ अपना पर्सनल पैराग्लाइडिंग का सामान लाया हुआ है और अपना पैराशूट और चश्मा, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग करेगा। चल 1 2 3 ये मैं उसके उस दिन ये हमारा वो रहा था कि हम एंड देख लेंगे तो इसको तभी खाएंगे एम था गोल, और ये हमारा रिवॉर्ड है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गाइस, क्योंकि गांव वाले आके हमें मारेंगे अपनी बारिश यहाँ ना तेज हो गई है, फंसने के चांसेस अगर ज्यादा तेज हो गई, तो बीच बीच में वो भी था क्या, नाला भी आ रखे थे कई जगह, नाला सोपारा लैंडस्लाइड भी हो रखी थी, तो अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से सेफ जगह पे, नहीं तो आपको आएगा ब्लॉग नहीं दिखेंगे आगे का, यही ब्लॉग नहीं आएगा, पूरा ब्लॉग भी नहीं आएगा ना आएगा दिखेगा, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि गुल्लर घाटी वाला ब्लॉग आगे क्या हुआ तो गुल्लर घाटी का सस्पेंस भी खुलना है, पहुंचे या नहीं पहुंचे गुल्लर घाटी चूके तो नहीं आगे कहीं। तो गाइस अब हम आ गए हैं वापस नीचे ये पुल के पास, और यहाँ बहुत तेज बहाव है और बारिश स्टार्ट हो गई है, बरसात के टाइम पे यहाँ पे ना आए, बहुत तेज बहाव है, कोई डूब भी सकता है, पिछली बार डूबा भी था यहाँ पे एक इंसान। यहाँ नाला आ रखा है और अभी मैं पार कैसे करूँगा ये सोच रहा हूँ। तो अभी हम आ रखे हैं सरदार वाली रोड पे क्या यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है सिर्फ छोटी रोड देखने के लिए। ये रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, हो कोई जी भी कुछ भी खा, एक कढ़ाई चिकन और चावल और रोटी, एक कढ़ाई चिकन हम तब तक टूटी रोड देख आ जाते हैं वो दिल्ली NCR हरियाणा से हार गए सिर्फ, जैसी बात न्यूज पहुंची ना। कुछ बेस से आगे कुछ और मिलेगा ऐसे ऐसे खतरनाक भाई यही हुआ कि और नहीं हुआ कुछ ज्यादा, क्या होता है कौन सा केंद्र आकर्षण का केंद्र जो पीछे फोन कर रहा है ना उस बंदे की गाड़ी थी और उसकी चाबी यहीं रह गई बस गाड़ी नीचे साले वहां से रहा उसकी गाड़ी टूट गई। खाना तो बहुत अच्छा था पर उन्होंने पूरा पतीला डोंगा भर के दे दिया, इसको पैक करेंगे हम, खाना चालू हो गया, पेट भर गया। अगर रोड टूटी हो तो जब रोड टूटती तब दुकान खुलती है ये तभी आ जाएगी, तभी ऐसा बना देगा। अच्छा है आ सकते हो, इसको मैं स्टार दूंगा 5 में से 3.5 चार तो दे देना डोंगा भर के दिया ना 4.5 तो ये है गाड़ी आखिरकार आ गई ऊपर, आ ही गई ऊपर काफी मेहनत के बाद, और अभी हम निकल गए हैं रेन फॉरेस्ट से। चलो मजा आया ना टूटी हुई रोड देख के, ऐसा लगा सब कुछ देख लिया तू मिला तो सब मिला
हाँ, जेसीबी की खुदाई चल रही है। तो गाइस टूटी हुई सड़क देखने के बाद हमें लगा डीकैथलॉन आना चाहिए, हमें कुछ काम था। ये डीकैथलॉन आ गए हम कुछ खरीदने के लिए, बैग और अदर सामान। रुको अब क्या लेके आया वो दी क्या लेके आया वो दी तो अभी हम शॉपिंग करके आए, अभी जो शॉपिंग करके वो देखेंगे आपको घर पहुंच के। घर पहुंच के तो गाइस आखिरकार हम घर पे आ गए और फिर हम कहीं जा रहे हैं अभी आपको नेक्स्ट आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, ओके बाय।